तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी इसाईस का ग्रंथ अध्याय 61 पद संख्या 1-2 10-11 तक। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढारस बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं, प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूं, मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस तरह वर पगड़ी बांधकर और वधु गहने पहनकर सुशोभित होते हैं, उसी तरह प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझ पर धार्मिकता की चादर डाल दी है। जिस तरह पृथ्वी अपनी उपज उगाती है और बाग बीजों को अंकुरित करता है, उसी तरह प्रभु ईश्वर सभी राष्ट्रों में धार्मिकता तथा भक्ति उत्पन्न करता है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दया दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। अनुवाक्य। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा अपने श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। अनुवाक्य। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटाया है। उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इसराइल की सुध ली है। अनुवाक्य। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटाया है। उसने अपने पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इसराइल की सुध ली है। अनुवाक्य। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। दूसरा पाठ थैसलनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16-24। आप लोगों का मन आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिन निर्दोष पाया जाए। आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि यीशु मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। आत्मा की प्रेरणा का दमन नहीं करें और भविष्यवाणी के वरदान की उपेक्षा नहीं करें, किंतु सब कुछ परख लें और जो अच्छा हो उसे स्वीकार करें। हर प्रकार की बुराई से बचते रहें। शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का मन आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाया जाए। ईश्वर ये सब कराएगा क्योंकि उसने आप लोगों को बुलाया है। ये सत्य प्रतिज्ञ है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
जय घोष आलेलुया। अनुवाक्य आलेलुया। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने भेजा है। अनुवाक्य आलेलुया। पवित्र सुसमाचार संत योहन के अनुसार अध्याय 1 पद संख्या 6-8 और 19-28। ईश्वर का भेजा हुआ योहन नामक एक मनुष्य प्रकट हुआ, जिससे वह ज्योतियों के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। जब यहूदियों ने यरूशलेम में जाजकों और लेवियों को योहन के पास ये पूछने भेजा कि आप कौन हैं, तो उसने ये साक्ष्य दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में ये स्वीकार किया कि मैं मसीह नहीं हूँ। उन्होंने उनसे पूछा, तब आप कौन हैं, क्या आप एलियस हैं? उसने कहा, मैं एलियस नहीं हूँ। क्या आप नबी हैं? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उनसे कहा, तो आप कौन हैं जिन्होंने हमें भेजा है? हम उन्हें कौन सा उत्तर दें? आप अपने विषय में क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं हूँ। जैसा कि इसायस नबी ने कहा था, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग सीधा करो। जो फरीसियों की ओर से भेजे गए थे, उन्होंने उनसे पूछा, यदि आप ना तो मसीह हैं, ना एलियस और ना वह नबी, तो फिर बपतिस्मा क्यों देते हैं? यूहन्ना ने उत्तर दिया, मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, तुम्हारे बीच एक है जिन्हें तुम नहीं पहचानते, वह मेरे बाद आने वाले हैं, मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। ये सब यर्दन के पार बैथानिया में घटित हुआ, जहाँ योहन बपतिस्मा दे रहा था। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।